हाउ टू एड बोन। ओके, तो प्रिज्मा 3D को यहाँ पर ओपन करते हैं एंड प्लस पे क्लिक करके यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे, 3D इनपुट के ऊपर में क्लिक करके यहाँ पर अपना जो भी मॉडल है उसको इनपुट कर लेंगे। आप एनिमल कर सकते हो, मैंने यहाँ पर आयरन मैन को चूज किया है, मतलब टोनी स्टार आयरन मैन यहाँ पर मैं ले रहा हूँ। और इस आयरन मैन पे हम लगाएंगे बोन और यहाँ पर इसके लेयर खोलेंगे। जो इसकी कैमरा और फोन लाइट है इन दोनों को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ये हमारे कोई भी काम का नहीं है। उसके बाद में सिंपल यहाँ पर मटेरियल पे क्लिक करेंगे। मटेरियल पे जाने के बाद यहाँ पर हमें जाना है टेक्सचर्स के ऊपर में, टेक्सचर पे जाएंगे और प्लस पे जाके इसका जो भी टेक्सचर है उस टेक्सचर को सिंपल यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इनपुट कर देंगे, मतलब टेक्सचर को लगा देंगे, ठीक है। अभी जैसे कि यहाँ पर हमारा मॉडल का हर एक पार्ट अलग अलग लेयर में होता है, जैसे कि हैंड अलग होता है और ये जो टांग है टांग अलग होता है, चेस्ट अलग होता है, हेड अलग होता, तो हमें जो है बोन ऐड करने में एकदम ईजी होता, मगर ये क्या है एक सिंगल लेयर है इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर डिफिकल्ट होने वाला है। तो सिंगल लेयर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर साइड में जो बोन की साइन बनी हुई है इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको जूम करना है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, यहाँ पर आपको जूम कर लेना है। जूम करने के बाद यहाँ पर एकदम बीच में ऐड करनी है बोन को, इस बोन को एकदम सही जगह पर ऐड करना। मैं जैसे कि मार करके आपको दिखा रहा हूँ, एकदम बीच में होना चाहिए क्योंकि ये एकदम मेन बोन है, तो इसको एकदम बीच में ऐड करना है। और इस साइड से भी आप देखो तो बीच में होना चाहिए, ठीक है, आगे पीछे हर तरफ से ये बीच में होना चाहिए, तभी ये अच्छे से और कर पाएगा, वरना ये बोन अच्छे से और नहीं करेगा, ठीक है। आपके शरीर पे भी बोन बीच में ही होती है, बाकी के जो बाहर की लेयर्स होती है ना उन पे मास होती है, ठीक है, तो एकदम बीच पे बोन को ऐड करना है। उसके बाद में सेकेंड बोन को यहाँ पर ऐड करते हैं और इसको भी एकदम बीच पे स्ट्रेट एकदम स्ट्रेट मैच करना है, ठीक है, तो कुछ इस टाइप से करना। उसके बाद में ये जो घुटने के लिए है हम यहाँ पर एक बोन ऐड करेंगे, तो सिंपल इस घुटने के ऊपर में एक बोन को ऐड करते हैं यहाँ पर और इसको भी एकदम बीच में करना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे एक और बोन ऐड करेंगे यहाँ पर, सिंपल यहाँ पर, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बोन ऐड करना एकदम इजी है। तो एक और आगे कर दिया, एक और आगे कर दिया और ये जो लास्ट वाला इसको एकदम बीच में एकदम स्ट्रेट कर देते, ठीक है, तो एकदम स्ट्रेट होगा तो ये अच्छे से वर्क कर पाएगा, अगर स्ट्रेट नहीं होगा तो ये अच्छे से वर्क नहीं करेगा, बाद में पलब्रम आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद में सिंपल राइट पे क्लिक करना है, उसके बाद एस कर देना है वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में जो आपकी बोन है वो ऐड हो जाएगी और यहाँ पर हम जैसे कि मैं देख आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे मैं उसको हिला रहा हूँ बोन को, तो ये मतलब हमारा मॉडल भी हिल रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें पलब्रम अभी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर अलग अलग होता तो सिर्फ वही टांग हिलता, मगर ये एक ही लेयर पे है, एक ही लेयर का पूरा मॉडल है, इसलिए ये मैं उसको उस बोन को हिला रहा हूँ, तो ये सारा का सारा मॉडल पे जितने भी भाग जुड़े हुए हैं ना उसके इलाके में उतने सारे के सारे हिल रहे। अब इसको सही कैसे करना है, अब देखो हैंड भी हिल रहा है, टांग दोनों टांग हिल रही है, अब इसको सही कैसे करना है, तो सिंपल करते हैं मॉडल लेयर को सिलेक्ट, यहाँ पर सिंपल जो मेडन सॉरी मॉडल का मेन लेयर है उसको सिलेक्ट करना है और ये जो बोन वाली साइन है उस पर क्लिक करनी है और यहाँ पर आपको डिलीट जो लिखा हुआ है ना इस पर आपको क्लिक करनी है, ठीक है, उस पर आपने एक बार क्लिक कर दिया। उसके बाद में इस बोन को सिलेक्ट कर लेनी है, सिलेक्ट करने के बाद सिंपल इस साइड को जैसे हमने किया था सेम प्रोसेस इस साइड को करना है, एकदम बीचों बीच होना चाहिए, थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ, ठीक है, एकदम सही पोजिशन पर होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर एक बीच में लगाएंगे यहाँ पर घुटने के लिए और एक लगाएंगे यहाँ पर और एक लगा देंगे थोड़ा सा आगे और इसको भी सही करना है, ठीक है, वो अभी टेढ़ा है, आप देखो यहाँ पर इसको थोड़ा सा आगे करते हैं और इसको यहाँ पर करते हैं और ये देखो बीच वाला थोड़ा सा टेढ़ा हो रखा है, तो इसको सीधा करते हैं, ठीक है, तो अब एकदम सही करना। मैंने अभी भी टेढ़ा मेढ़ा बनाया है क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए जल्दी जल्दी में बना रहा हूँ। उसके बाद में राइट क्लिक करना है, एस कर देना है। अब यहाँ पर आप देखो तो इस बोन को हिला रहा हूँ तो सिर्फ ए ही पैर मूवमेंट हो रही है, मतलब वो दूसरा वाला नहीं हो रहा है। पहले क्या हो रहा था, पहले दोनों साथ में हो रही थी, अभी अलग अलग हो गया, दोनों पे अलग अलग हड्डियाँ हमने ऐड कर दी, इस वजह से दोनों टांग जो है अलग अलग मूव करने लग चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से वर्क हो रहा है, एकदम अच्छे से वर्क हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ बल ब्रह्म आ रहा है, ठीक है, एकदम अच्छे से वर्क हो रहा है। तो आपको भी इसी टाइप से बोन्स को ऐड करनी है, अभी तो पूरा बॉडी पे ऐड करनी है, ठीक है, अभी तो हमने नीचे ही ऐड किया, ऊपर का भाग तो अभी है, लेकिन आप देखो अभी हैंड भी मूव हो रहा है, तो उसको भी अलग अलग करके बोन को ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा वीडियो में। और ये जो है मेन है मॉडल का लेयर का, जिसको आप मूव करोगे तो पूरा मॉडल ही लेगा, ठीक है। अब क्या करना है, फिर से मेन लेयर को सिलेक्ट करनी है जो मॉडल का मेन लेयर है, उसके बाद में जो बोन का साइन है उस पर क्लिक करना है, डिलीट जो आ रहा है उस पर क्लिक कर देनी है, ठीक है। क्लिक करने के बाद जो आपको यहाँ पर
20 वाली बोन है उसको सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर मैं स्पीड थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको देखो एकदम स्ट्रेट, जैसे मैंने यहाँ पर ये रेड साइन बनाया हुआ है, आपको उसी टाइप से बोन ऐड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं, एक को यहाँ पर कर देते और एक यहाँ पर कर देते चेस्ट के लिए, ठीक है। ये हो गया चेस्ट के लिए, और यहाँ से ये जाएगा गर्दन के लिए, और यहाँ पर एक ऊपर जाएगा हेड के लिए, ठीक है। तो इतने बोन जाएंगे। अभी जो चेस्ट का मेन बोन है उसको सिलेक्ट करते हैं, और इससे यहाँ पर एक बोन ऐड करते हैं हैंड के लिए, ठीक है। और थोड़ा सा ऊपर, और थोड़ा सा ऊपर करने के बाद इसको थोड़ा सा नीचे करते और इस हैंड पे ऐसे लगा देते। अभी आप यहाँ पर देखो एकदम बीचों बीच लगे हुए हैं, आपको चेक करना है साइड से भी, और सेम इस साइड को हैंड पे भी करेंगे, ठीक है। दोनों हैंड पे सेम चीज़ करेंगे और चेक कर लेंगे कि बीचों बीच है या नहीं। तो आप देख सकते हैं मेरे जो है बीचों बीच पे लगे हुए हैं, ठीक है। और थोड़ा सा अगर इधर उधर लग जाते हैं तो आप एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो आराम से इजीली आप एग्जिस्ट कर पाएंगे। तो एकदम स्ट्रेट रखने की कोशिश करना, जितना स्ट्रेट होंगे उतना अच्छा होगा। उसके बाद में राइट क्लिक करना, एस कर देना, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखो हमारी जो है बॉडी की जो बोन्स है वो कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग करके मैं चला रहा हूँ तो भी ये एकदम अच्छे से और कर रही है, ठीक है। इस हैंड का जैसे मैंने हिलाया तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एकदम अच्छे से और हो रहा है, यहाँ पर कोई भी मसला नहीं है, ठीक है। तो अभी हमें सेम प्रोसेस करके फिंगर्स पे भी बोन ऐड करनी है। फिंगर्स पे थोड़ा सा ज़्यादा बोन से ऐड करना पड़ जाता है, ठीक है। और इसी टेक्निक का यूज करते हुए आप आईज एंड माउथ को भी कर सकते हैं बोन ऐड, ठीक है। यहाँ पर आप देखो ये जो मेन बॉडी वाला था, ये चेस्ट वाला था, अब देखो एकदम अच्छे से सारे बोन्स वर्क हो रही है, सारे के सारे बोन्स एकदम अच्छे से वर्क कर रही है, कोई भी बोन्स ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। सारे बोन्स एकदम अच्छे से वर्क कर रहे हैं। अरे यहाँ पर ये जो गर्दन वाला बोन है ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, तो इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम एग्जस्ट कर पाएंगे, और हेड वाला भी थोड़ा सा गलत लग चुका है, तो इसको भी एग्जस्ट करेंगे, कोई नहीं। तो अभी फिलहाल क्या करते हैं, मॉडल ईयर को फिर से आपको सिलेक्ट करनी है इनको एग्जस्ट करने के लिए, या फिर फिंगर पे बोन से ऐड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मॉडल ईयर को सिंपल सिलेक्ट करना है फिर से, और यहाँ पर जो बोन का साइन बना हुआ है उस पर क्लिक करनी है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद डिलेड आ रहा है उस पर क्लिक कर देना। उसके बाद में यहाँ पर हमें जो है फिंगर्स ऐड कर लेते, ठीक है। पहले इसको एग्जस्ट कर लेते हैं, जो ये वाला गर्दन वाला बोन है इसको सिलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा नीचे कर देंगे, क्योंकि ये एकदम ऊपर था, ठीक है। उसके बाद ये जो हेड वाला है इसको भी थोड़ा सा नीचे एग्जस्ट करेंगे। आप एकदम सही से लगाना बोन, जिस बोन को जहाँ पे होना चाहिए वहीं पर आपको लगाना है। आपके ऐसे अनुमान करो कि आपके मतलब शरीर में बोन कहाँ पर है, उसी हिसाब से यहाँ पर आपको बोन ऐड करनी है, ठीक है। तो उस टाइप से आप बोन ऐड करोगे तो यहाँ पर एकदम अच्छे से और करेगा। जितना आप टाइम देके बोन ऐड करेंगे, जितना अच्छे से और जितना स्ट्रेट आप बोन को ऐड करेंगे, और उतना ही अच्छा और करेगा, वरना अदरवाइज प्रॉब्लम्स आ सकती है बाद में, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, फिंगर वाली इस बोन को सिलेक्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा बीच में पुश करते हैं, उसके बाद में यहाँ पर इसी बोन को पकड़ के यहाँ पर ले देते हैं, ठीक है। इस मतलब यहाँ पर टैप करते हैं, यहाँ पर एक और बोन हो जाएगा, और अंडू रियंडू आप कर सकते हो। तो यहाँ पर दो बोन से ऐड करेंगे, एक बोन यहाँ पर कर दिया, एक बोन यहाँ पर फिंगर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आगे हमें टैप करनी है और एक यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद सिंपल फिर से इसी बोन को सिलेक्ट करना है जो मेन हैंड पे है, ठीक है, उसको सिलेक्ट करना है। मुझे यहाँ पर अंडू करना पड़ेगा, रुको। तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं, एंड देन आगे लेके आएंगे यहाँ पर एक बोन, और इसको थोड़ा सा इधर, और यहाँ पर एक आगे और लगाएंगे, और इससे भी आगे एक और लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इतना लगाया और आगे, मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैं टेढ़ा मेढ़ा कर रहा हूँ, आपको ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है, एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट करनी है, ठीक है। स्ट्रेट स्ट्रेट करना है तभी आपका अच्छे से और करेगा, वरना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है बाद में, जो आपका मॉडल है थोड़ा सा अनरियलिस्टिक सा लगता है, ठीक है। इसलिए आपको एकदम अच्छे से करना है, तो एकदम आसान है बोन ऐड करना। आप देखो ये बोन कितने टेढ़े मेढ़े, ऐसे टेढ़े मेढ़े नहीं करना है आपको, चारों तरफ से देखने पे आपको स्ट्रेट नज़र आए, इस टाइप से आपको एग्जिस्ट करना है, ठीक है। तो ऐसे जो ये तीन लाइन आ रही है आपके पास, तीन एरोज, उनकी मदद से आप एग्जिस्ट कर पाएंगे। तो एकदम अच्छे से एग्जिस्ट करना, मतलब ऐसे टेढ़े मेढ़े मत रखना, अगर टेढ़े मेढ़े रखते हैं तो बाद में आपका एनिमेशन करते वक्त प्रॉब्लम आती है, और एकदम अनरियलिस्टिक सा लगता है, और ज़्यादा प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं आता है, मगर अनरियलिस्टिक सा लगता है, टूटा फूटा सा ऐसा पैर लगता है, ठीक है, उस टाइप का बन जाता है। इसलिए आपको एकदम स्ट्रेट रखने की कोशिश करना है। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसलिए स्पीड में कर रहा हूँ, इसलिए एकदम स्ट्रेट नहीं रख रहा हूँ, ताकि मुझे इतना बताना है कि आपको बोन कैसे ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इतना यहाँ पर ऐड कर दिया, और लास्ट ये कि यहाँ पर टैप करते, यहाँ पर टैप करते, और यहाँ पर भी टैप करते, और बोन ऐड हो जाएंगे यहाँ पर। अभी यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, एस कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप देखो फिंगर, इस वाली साइड की जो फिंगर है वो भी और मतलब कर रही है या नहीं, आपको टेस्ट करके दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पर आप देखो यहाँ पर एकदम अच्छे से और कर रही है फिंगर्स, आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, ठीक है, एकदम अच्छे से और कर रही है।
और सारे फिंगर्स यहाँ पर एकदम अच्छे से वर्क कर रही है। तो यहाँ पर एकदम ईजी होता है बोन ऐड करना, कोई हार्ड काम नहीं है, एकदम ईजी है, मगर थोड़ा सा टेक्निक होता है इसमें, ठीक है। आपको स्ट्रेट और मतलब स्ट्रेट बनानी होती है, बीचों बीच बनानी होती है। अगर आप टेढ़ा मेढ़ा कर देंगे तो बाद में एनिमेशन के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, कुछ इस टाइप के इश्यूज देखने को मिल जाते हैं, इसीलिए स्ट्रेट करना जितना हो सके। और आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, और आपको मैं एक ऑटो तरीका है उसको भी बताऊँगा, ठीक है। अगर आप लेजी हैं तो आपको इस टाइप से बोन ऐड नहीं करना है, तो आपको ऑलरेडी बोन वाले मॉडल कैसे मिलेंगे वो चीज़ भी आप बता देता हूँ। स्केच पी पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अभी मॉडल का मेन लेयर सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद में इस वाली फिंगर पे भी सेम कर देंगे। तो यहाँ पर सेम प्रोसेस करके इस वाली फिंगर को भी यहाँ पर लगाते हैं, और यहाँ पर मैं वीडियो को कर देता हूँ थोड़ा सा फास्ट। तो हमारी इस वाली फिंगर पे भी सारे बोन्स जो है एकदम अच्छे से ऐड हो चुके हैं, और वो अच्छे से वर्क भी कर रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। और मैं लास्ट में दिखाऊंगा सारे के सारे बॉडी पार्ट्स के बोन्स को छेर के, मतलब सारे के सारे वर्क कर रहे हैं या नहीं, ये लास्ट में दिखाऊंगा। अगर आप थोड़ा सा लेजी है तो आप स्केच पी पे जाए, और आप जिस भी मॉडल को, जैसे कि मान लेते हैं आयरन मैन को आप डाउनलोड करना है, तो आयरन मैन ऑन रिंग मॉडल करके आप सर्च करेंगे तो आपको रिंग मॉडल मिल जाएगी, आप सिंपल डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर बारी है इसको टेस्ट करने की, ठीक है। तो कि आप देखो हर एक बोन्स एकदम अच्छे से वर्क कर रही है, ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है। सारे बोन्स एकदम अच्छे से वर्क हो रही है, और आप इस टाइप से भी बोन्स आप खुद से ऐड कर सकते हो। और आप स्केच पी पे जाके रिंग मॉडल सर्च करके भी वहाँ से ऑलरेडी रिंग्स वाली मॉडल डाउनलोड कर सकते हो, उन मॉडल पे ऑलरेडी बोन्स ऐड होती है, तो आपको इतना मेहनत करने का ज़रूरत भी नहीं है। मगर आप एनिमल और बाकी चीज़ जैसे कि होते हैं कार, उनको भी अगर डोर वगैरह पे एनिमेशन करना चाहते हो तो वहाँ पर बोन ऐड करना होता है। इसीलिए इस टेक्निक को याद रखना, ये टेक्निक से आप हर चीज़ की एनिमेशन पे बोन ऐड कर सकते हैं, हर चीज़, चाहे वो कोई चीज़ हो या फिर कोई इंसान हो या फिर कोई एनिमल हो, हर चीज़ पे यही तरीका यूज होता है बोन्स ऐड करने के लिए। तो इस टेक्निक को सीखना ज़रूर से। और यहाँ पर आप देखो सारे के सारे बोन्स जो है ना एकदम अच्छे से काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि काम कोई बोन काम नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है, सारे के सारे बोन्स काम कर रहे हैं। मगर यहाँ पर जो हमारा मॉडल था एक ही लेयर में था, और मैंने जो है बोन्स थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सेट किया हुआ है, इसीलिए ये जो है थोड़े से एनिमेशन हम करेंगे तो ये थोड़ा सा नकली लगेगा, ये अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। मैं किसी और वीडियो में एनिमेशन भी करके दिखाऊंगा तो ये थोड़ा सा नकली लगेगा, इसीलिए आपको ट्राई करना है कि आप जो मॉडल डाउनलोड करते हैं ना, उन मॉडल पे सारे लेयर्स अलग हो, एक ही लेयर पे पूरा मॉडल ना हो, सारे लेयर्स अलग हो। अगर आप सिंगल लेयर वाला मॉडल भी डाउनलोड करते हैं तो आपको मैक्सिमो आप यूज करना, मैक्सिमो का अगर मैक्सिमो यूज करेंगे तो आप उस पर बोन ऐड करना एकदम ईजी होता है, और उससे जो बोन ऐड करते हैं ना वो बोन जब आप एनिमेशन करोगे तो एकदम रियलिस्टिक लगता है। लेकिन पहले फ़ोन के लिए जो था मैक्सिमो फ्री में आप यूज़ कर सकते थे, अगर आपके पास कोई जो होता है ना USB वाला माउस अगर वो है तो आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं, मैक्सिमो ऑलरेडी फ्री है, वरना आपको एक ब्राउज़र डाउनलोड करनी होती है जिस ब्राउज़र के थ्रू आप कर सकते हैं। लेकिन अभी जो वो है पेड हो चुका है, ठीक है, वो फ्री नहीं रहा, वो पेड हो चुका है। तो आई होप कि आपको वीडियो में समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो एक लाइक करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय।